सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पर। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था, उस पर आपको एक नया चैनल क्रिएट करके बताया था कि कैसे नया चैनल क्रिएट किया जाता है। आपको मोबाइल में सारा कुछ बताया था कि मतलब किस तरीके से नया चैनल ओपन किया जाता है, और उसमें आपको बताया था कि लोगो कैसे लगाया जाता है एंड चैनल आर्ट कैसे लगाया जाता है। एंड मैं आपको बोला था कि आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि मतलब लोगो बनाया कैसे है एंड चैनल आर्ट कैसे बनाया जाता है, अपने चैनल के लिए चैनल आर्ट कैसे बनाया जाता है। सो आज की इस वीडियो में आपको लोगो बनाकर एंड चैनल आर्ट बनाकर आपको दिखाने वाला हूं, मतलब बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने चैनल के आर्ट बना सकते हैं एंड चैनल के लोगो बना सकते हैं, सारा कुछ बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहना एंड तक, एंड वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, एंड वहीं पर आपको एक चैनल का लोगो बनाएंगे एंड चैनल का आर्ट बनाएंगे। एंड उसके बाद आप वहां से जाके अपने चैनल पे लोगो लगा सकते हो एंड आर्ट लगा सकते हो अपने चैनल को प्रोफेशनल बनाने के लिए। एंड उसके बाद आपको चैनल वेरीफाई करने का बताऊंगा, फिर उसके बाद वीडियो कैसे शूट करते हैं, वीडियो कैसे बनाएंगे, टॉपिक कैसे फाइंड करेंगे, मतलब सारा कुछ बताने वाला हूँ, कैसे अपलोड करेंगे, क्या करेंगे, सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको पहले चैनल के लोगो एंड चैनल के आर्ट बनाने को बताते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको एक प्ले स्टोर से पिक्सल अब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है, एंड ओपन करने के बाद आपको यहाँ से एक न्यू टेक्स्ट को इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ से इस बैकग्राउंड के कलर लगाना है। कलर लगाने के लिए कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से अपना कोई भी एक कलर चूज कर सकते हो। कलर चूज करने के बाद आपको यहाँ से एक शेप देना है, मतलब लोगो का एक शेप देना है आपको यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे शेप वाले पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ से एक शेप गोल का आकार का एक शेप देंगे इसको, एंड एडजस्ट करेंगे इसका साइज। चलिए ये एडजस्ट करके आपको यहाँ से ओके कर देना है, एंड ओके करने के बाद सिंपली इसमें भी आपको कलर लगा देना है। कलर आप जैसा चाहो वैसा आप कलर ब्लैक वाइट येल्लो कैसा भी आप कलर लगा सकते हो। कलर लगाने के बाद ओके कर देना है, एंड इसमें आपको टेक्स्ट लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ से इसको ऑन कर दीजिएगा तो इधर उधर ये हिलेगा नहीं, मतलब इसको लॉक कर दीजिएगा तो इधर उधर आपको एडिट करने में नहीं हिलेगा। इसे आपको चलिए यहाँ से लॉक कर देते हैं, एंड उसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ से टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट लाएंगे और इसमें एडिट वाले ऑप्शन में जाएंगे, एंड यहाँ से आपको चैनल का भी जो भी आप नाम आपका चैनल का है वो आप लिख सकते हैं एंड लोगो में आप लगा सकते हैं। मान लीजिए मेरा टेक्निकल नवनीत है, मैंने चैनल ओपन किया तो टेक्निकल नवनीत आप यहाँ पे लिख दीजिए, एंड लिखने के बाद आपको यहाँ से डन कर देना है। ओके, यहाँ से ओके कर दीजिए, एंड आपको इधर भाग गया, यहाँ से नीचे आप इसके साइज को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ से आप सिंपली ओके। सबसे पहले देखिए इधर भाग रहा है तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो वापस मतलब आ जाइएगा। तो चलिए सब पहले इसमें हम इसका बड़ा चैनल का बड़ा नाम लिखेंगे, तो फिर से न्यू टेक्स्ट में जाएंगे एंड एडिट वाले में जाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से मतलब चैनल का एक बड़ा टी या एन मतलब टेक्निकल होनी ओके, एंड इसके साइज को एडजस्ट बढ़ाएंगे थोड़ा और हाँ ओके, एंड यहाँ से ओके कर देंगे। हो गया, अब इसको यहाँ से स्क्रॉल कीजिएगा तो स्टाइल मतलब थोड़ा स्टाइल दे देंगे, एंड इसमें इसको कलर थोड़ा कलर कर देंगे, मतलब अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। आप यहीं से एक प्रोफेशनल थी प्रोफाइल बना सकते हो। तो चलिए इसमें को कलर वाले पर क्लिक करके यहाँ से एक कलर लगाएंगे, इसमें भी ब्लैक या आप जैसा चाहो वैसा कलर लगा सकते हो इसमें। तो सिंपली यहाँ ए वाले ऑप्शन पर आएंगे एंड कलर पर क्लिक करके आप यहाँ से जैसा आप चाहो वैसा, चलिए मैं ब्लैक को सिलेक्ट कर लेता हूँ ओके, एंड इसमें अब आपको इसमें नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे एक स्ट्रोक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, मतलब इसमें स्ट्रोक लगाएंगे थोड़ा थोड़ा। देखिए रेड कलर का लगाइए या वाइट लगाइए,
या जैसा आप चाहो वैसा लगा सकते हो। एंड इसका साइज थोड़ा मतलब अपने हिसाब से कम बेसी कर लीजिएगा। इसको थोड़ा और कम कर देते हैं। चलिए ओके, अब यहाँ से सिंपली टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ओके, अब यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। एंड इसको अब यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे। ओके, इन ईयर लगा देंगे इसमें, थोड़ा और भी थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। ओके, ओके यहाँ से इनेबल करेंगे एंड ओके कर देंगे। एंड इसके बाद आपको नीचे में स्क्रॉल कीजिएगा तो रिफ्लेक्स टाइटन, आप यहाँ पे पहले क्लिक करके इसका इनेबल कर देंगे, मतलब थोड़ा इसका रिफ्लेक्स देगा। एंड इसका साइज थोड़ा कम कर देंगे बस। एंड ओके कर देंगे यहाँ से। चलिए अब वो तो हो गया काम, अब चलिए इसको सेट करते हैं टेक्निकल नवनीत को। तो सबसे पहले इसमें स्टाइल लगाएंगे, थोड़ा स्टाइल लगा के ओके कर देंगे। एंड इसको थोड़ा कलर करेंगे, तो चलिए कलर वाले में आइए। एंड यहाँ से आप इसको कलर थोड़ा करेंगे, मतलब प्रोफेशनल लगा बनाने के, थोड़ा साइज पहले कम इसी साइज को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। आप साइज एडजस्ट कर लीजिएगा। साइज एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ से कलर लगाना है। सिंपली सब सारे ऑप्शन आपको इसी में देखने को मिलेगा, ये वाले ऑप्शन में सारे ऑप्शन। तो आप यहाँ से कलर लगा लीजिए, आपका जो भी मर्जी वैसा कलर आप लगा सकते हो यहाँ से। कलर लगाने के बाद इसमें भी स्ट्रोक लगाएंगे, रेड कलर के या वाइट कलर के, जैसा चाहो आप स्ट्रोक लगा सकते हो, या ब्लू कलर के। चलिए मैं लगा देता हूँ। ओके, देखिए कितने प्रोफेशनल दिखने लगा अभी अभी। और इसको में भी रिफ्लेक्शन लगा दे। तो चलिए सिंपली आपको स्क्रॉल करेंगे आप यहाँ से, तो नीचे में आपको रिफ्लेक्शन वाले पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ से रिफ्लेक्शन टाइटन बस इनेबल कर दीजिएगा इसको, और एडजस्ट थोड़ा मतलब कर लीजिएगा अपने से हिसाब से। एंड ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद अब हमारा बन के रेडी हो गया। अब इसको सेव कर से करना है, सेव करेंगे सिंपली सेव वाले पर क्लिक करके सेव एज इमेज सेव करेंगे, तो ये हमारा सेव टू गैलरी करेंगे, तो ये हमारा इमेज गैलरी में सेव हो जाएगा, हमारा लोगो गैलरी में सेव हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कितना प्रोफेशनल आप प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हो अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो आप सिंपली सारा कुछ इस पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ही कर सकते हो अपने हिसाब से, आप जैसा चाहो वैसा प्रोफाइल पिक्चर बना सकते हो। और थोड़ा आप दिमाग लगाओगे तो इससे भी अच्छा आपका प्रोफाइल पिक्चर बनेगा। तो ये सारा कुछ आप इस पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ही कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर बनाने को सीख गए होंगे। एंड इसको आप यूट्यूब चैनल में पर अपने सेव कर दीजिएगा, आपका जिस भी कैटेगरी का चैनल होगा आप वैसे नाम लिख के बना सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अब नए टॉपिक के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप वीडियो कैसे बनाएंगे एंड कैसे अपलोड करेंगे, सारा कुछ बताएंगे। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आप प्रोफाइल पिक्चर बनाना सीख गए होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।